हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो इस कैसे हो। सो आपने थंबनेल में तो देखा ही होगा कि जो हमारी फोटो एडिटिंग है ना, वो कुछ इस तरीके की है, जिसके अंदर मैं आपको काफ़ी चीज़ें सिखाऊंगा। इसके अंदर काफ़ी कुछ सिखाना है, ठीक है। सो इसमें आपको गाइस, आप लोग देख सकते हैं, इसमें कुछ लाइटिंग इफेक्ट्स है। एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा, आपको एक चीज़ और सिखाऊंगा। आप लोग देख सकते हैं, जो हमारे फेस मतलब बॉडी पेन है, वो लाइटिंग इफेक्ट अंदर के साइड आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से लाइटिंग इफेक्ट कैसे डाल सकते हैं, मतलब बाहर बैकग्राउंड में नहीं जाए। सो वीडियो को पूरा देखना, आपको सब कुछ में आ जाएगा। एंड लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो गाइस, सबसे पहले ही बैकग्राउंड आउट करना है, ठीक है। एंड आउट करके क्या करना है, इसको पिक्सआर्ट में ले चलना है एंड ड्रॉ टूल में ओपन करना है, ठीक है। सो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इम्पिटी मतलब फोटो लेयर पर जाके अपनी फोटो को ऐड कर लूँगा। सो अब क्या करना है, इस फोटो जो हमने फोटो ऐड करी है, इसका हमें कॉपी कर लेना है। एंड जो कॉपी हुई है ना, इस लेयर को हमें ऑफ कर देना है इस तरीके से, ठीक है। एंड जो नीचे लेयर है ना हमारी, ये देखिए, इसको हमें कलर देना है कोई सा, जैसे मैं रेड दे देता हूँ, ठीक है। सो इससे जो ऊपर वाली लेयर है हमारी जो फोटो की, इसको हमें ब्लेंडिंग मोड से चेंज करना है। मैं चेंज करता हूँ यहाँ से नॉर्मल से XOR। सो ये इस तरीके हो जाएगा। अब क्या करना है, इस वाली लेयर को नीचे वाली लेयर से मर्ज कर देना है। सो थ्री डॉट पर जाएंगे एंड इसको मर्ज कर देंगे। सो ऐसा बन जाएगा। एंड अब क्या करेंगे, एक मिडिल लेयर बनाएंगे एंड इस लेयर को हम अपनी मर्ज वाली फ़ोटो के नीचे रख देंगे, ठीक है, जैसे मैंने रखा है। अब इसको ऑफ करेंगे एंड इस लेयर को भी हम यहाँ से कलर दे देंगे। सो यहाँ से मैं इसको कलर दे देता हूँ जैसे वाइट, ठीक है। सो अब इसको हम ऑफ कर देंगे एंड अब जाएंगे हम पेंसिल पे एंड यहाँ से हम साइज इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। एंड अब पेंसिल का कलर सेलेक्ट करेंगे, पिकर चूज़ करेंगे एंड यहाँ से मैं इसको कलर दे दूँगा, जो पीछे की लाइट है हमारी, ठीक है। एंड इसको ऑन कर देंगे दोनों लेयर को। अब क्या करेंगे, पेंसिल को ड्रॉ कर देंगे अपनी बॉडी के ऊपर इस तरीके से। सो अब क्या करना है, हमें जो इससे ऊपर वाली लेयर है, इसका ब्लेंडिंग मोड हमें करना चेंज फिर से XOR। सो ये इस तरीके का बन जाएगा। अब क्या करना है, हमें सिंपली इन दोनों लेयर को मर्ज कर देना है यहाँ पे। सो मर्ज करने के लिए क्या करेंगे, हम थ्री डॉट पे जाएंगे एंड इसको मर्ज कर देंगे। सो अब क्या करना है, इस वाली लेयर को ऑफ करेंगे बैकग्राउंड वाली एंड इसी जो लेयर बनी ना हमारी नई PNG, इसको सेव कर लेंगे ड्रॉटूल में, ठीक है। एंड अब इसको डिलीट कर देंगे यहाँ से एंड इस वाली लेयर को हम ऑन कर लेंगे। सो हमारा काम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। सो अब हमने जो PNG बनाया था, उसको ऐड करेंगे, सिंपली ऐड फोटो में जाएंगे एंड इसको ऐड कर लेते हैं। सो अब हमें यहाँ से डन निकलना है गाइस। अब हमें जाना है इरेजर टूल के ऊपर। सो इसको कर देना है यहाँ से इनवर्ट एंड अब क्या करना है, हमें इसके ऊपर ड्रॉ करना है हमारी बॉडी के ऊपर। सो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले पेंसिल का साइज सेलेक्ट कर लेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। सो अब इसको ड्रॉ करना है अपनी बॉडी के चारों तरफ। सो इससे क्या होगा ना गाइस, जो हमारी लाइट थी ना, वो बॉडी के अंदर ही रहेगी, बैकग्राउंड के ऊपर नहीं जाएगी। वो आप लोग देख सकते हैं जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ। सो ये गाइस काफ़ी अच्छी ट्रिक है, ठीक है। आप लोग सीख लेना, मतलब आपको नहीं समझ में आए तो आप पीछे जाके इसे सीख सकते हैं। सो अब मैं इसे डन कर दूंगा। एंड गाइस एक चीज़ और, अगर आपको ये कम लग रही है तो सिंपली इसका डुप्लीकेट कर लेना इस तरीके से एंड इसके ऊपर से हल्की सी कम करके इस फोटो को यहाँ से डन कर देना है। सो ये हमारी इतनी डन हो चुकी है। अब जाएंगे हम ऐड फोटो की तरफ, लाइट का PNG है ये वाला, इसको ऐड करेंगे। सो इसका मैं ब्लेंडिंग मोड यहाँ से स्क्रीन कर दूंगा सबसे पहले। सो इसको जो पीछे लाइट आ रही है ना, वहाँ पे लगाना है। सो यहाँ से मैं इसको देख लेता हूँ किस तरीके से लगाऊंगा इसे। सो यहाँ पे ये बेटर लग रहा है, ठीक है। एंड इसका डुप्लीकेट कर देंगे यहाँ से सिंपली एंड इसको भी हम लगाएंगे यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। एंड अब क्या करेंगे, जो फेस पर है लाइट, इसको इरेज कर देंगे। एंड अब क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं, अपनी फोटो को यहाँ से डन कर देना है। सो अब मैं जाऊँगा यहाँ से ऐड फोटो की तरफ एंड लाइट के PNG है ना पीछे, मतलब लाइट जो आ रही है, इसको और ज़्यादा इफेक्ट देने के लिए हम लाइट का PNG लगाएंगे। इसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन कर देंगे एंड इसको इस वाली लाइट पर लगा देंगे। एंड सिंपली क्या करना है, इसको डुप्लीकेट करके जहाँ जहाँ लाइट लग रही है वहाँ वहाँ इसे लगा देंगे। सो ये डन कर देते हैं हम यहाँ से एंड अब चलते हैं ऐड फोटो की तरफ। सो ये लास्ट PNG है स्मोक का, इसको ऐड कर लेते हैं। सो इसको मैं नीचे की साइड लाऊंगा इस तरीके से एंड इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे फिर से
स्क्रीन एंड इसको सेट कर लेते हैं। सो अब क्या करना है, डॉटल में चल के सेव कर लेना है इस फूड को। सो गाइस, हमारी जो वीडियो है ना वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। मैंने सोचा इस फोटो के एडिटिंग का प्रीसेट क्यों ना बना लिया जाए। सो मैं सिंपली आपको इसकी प्रीसेट की एडिटिंग कॉपी पेस्ट करनी रहेगी, ठीक है। सो मैं आपको प्रीसेट दिखा देता हूँ, जो कि ये है हमारा ब्लू लाइट प्रीसेट। मैंने इसके अंदर कुछ भी नाम दे दिया, ठीक है। सो जस्ट आपको क्या करना है, इसकी कॉपी सेटिंग करने के लिए आपको थ्री डॉट पे जाना है एंड कॉपी सेटिंग पे क्लिक करना है एंड जो ऊपर दिख रहा है राइट में ऑप्शन, इस पर टिक कर देना है। सो इसका क्या करना है, मैं नॉर्मल वाली फ़ोटो पर जाना है। सो ठीक है, एंड अब क्या करना है, पेज सेटिंग करने के लिए थ्री डॉट पे जाएंगे एंड पेज सेटिंग कर देंगे। सो गाइस, ये देखिए कितनी ज़्यादा कमाल की हमारी फ़ोटो एडिटिंग हो चुकी है। बट इससे पहले हम जाएंगे सिलेक्ट टूल पे एंड इसमें हम नीचे से मारेंगे ग्रेडिएंट एंड इसकी एक्सपोजर कम कर देंगे, क्लियरिटी बढ़ा देंगे सिंपली एंड इसका टेम्परेचर भी कम कर देंगे, ठीक है। एंड जूम करके थोड़ा सा इसको ये फेस पे सर्कल मार देंगे इस तरीके से एंड इसका एक्सपोजर को बढ़ा देंगे। सो इसे डन कर लेंगे एंड गाइस, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। सो आ गाइस, उससे पहले आप देख सकते कितना अच्छा हमारा फूड के अंदर लाइटिंग इफेक्ट आ चुका है बॉडी के अंदर, जो मैं आपको ट्रिक सिखाई थी। सो देखिए गाइस, बिफोर में हमारी फ़ोटो को जिस तरीके से पिक्स आ गए अंदर एंड जब हमने लाइटरूम में प्रीसेट अप्लाई करा, सो देखिए आफ्टर। सो गाइस, आप लोग देख सकते कितनी ज़्यादा कमाल की हमारी फ़ोटो एडिटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है इस प्रीसेट को अप्लाई करने के बाद। सो आप भी इस तरीके का प्रीसेट अप्लाई करिए एंड इस तरीके की फ़ोटो एडिटिंग करिए एंड इंस्टा पे अपलोड करिए एंड ढेर सारे लाइक्स को गेन करिए एंड मुझे भी टैग कर देना आरवी एडिट्स, ठीक है, एंड इंस्टा पे फॉलो कर देना, ठीक है। एंड गाइस, आपको पता ही चल गया होगा कि ये ट्रिक कैसे काम करती है, अगर नहीं पता चला है तो आप देख सकते हैं पूरी वीडियो को दोबारा से। सो अब मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एंड चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सो मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।